नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो यूजी काउंसलिंग जो भी आप लोगों की चलने लग रही है, उसमें काफी ज्यादा हौच पौच आप लोगों को हो रहा है, क्योंकि अलग अलग नोटिस ये लोग निकालते हैं, एक ही बार में पूरा फिनिश काम नहीं करते हैं। तो अभी जो कल नोटिस आई है, उसमें अनाउंस किया गया है कि जो चॉइस फिलिंग है आप लोगों की, जो कि हो चुकी थी पहले ही काफी सारे कोर्सेज की, जैसे बीकॉम वगैरह की, इनकी सबसे पहले हो गई थी, उनका फर्स्ट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया। फर्स्ट अलॉटमेंट मतलब सीट्स वगैरह अलॉट हो जाएंगी, किसको कौन सी सीट्स हुई है, कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है, एक कोर्स क्या, कौन से सब्जेक्ट मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जाएंगी। तो कल एक नोटिस आया था, उसमें लिखा था कि आज 23 तारीख से 12 बजे से के बाद आप लोग अपने लॉगिन पे, अपने जो पोर्टल है उस पर लॉगिन आईडी से आप लोग लॉगिन करके, ठीक है, उसमें आप अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इजी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे ही आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग वगैरह की थी, जैसे इनमें चार कोर्सेस का आया है, एक बी बॉक का है और डी फार्मा का भी है, डी फार्मा जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, बी सी ए का भी एक आया है, बी कॉम और बी कॉम ऑनर्स और बी कॉम एन ई पी का आया है। तो इन कोर्सेज का सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गया था चॉइस फिलिंग वगैरह। तो अब जो भी आप लोगों ने चॉइस, जो भी आप लोगों ने कॉलेज वगैरह फिल किया था, यूनिवर्सिटी कैंपस फिल किया था या पर एफिलिएटेड कॉलेज, तो आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिला है वो कन्फर्म हो जाएगा सीट अलॉटमेंट में। बेसिकली रिजल्ट है एक टाइप से, ठीक है। तो इसमें आप आज 23 तारीख को 12 बजे के बाद देख सकते हैं, और इसी में जब जैसे आप लोग सीट अलॉटमेंट देखेंगे तो उसी में नीचे लिख के आएगा कि ये आपको इंस्टीट्यूट मिला है और ये आपका कोर्स है, ठीक है, आपका नाम वगैरह लिख के आएगा सारी चीज़ें, और नीचे ऑप्शन आएगा वो करने का, आगे प्रोसीड करने का, और फिर आप लोग पे फीस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि फीस तो इन्होंने पहले ले ली थी काउंसलिंग की 700 रुपये, ठीक है, लेकिन आप क्यों लेने लग रहे हैं, तो ये काउंसलिंग फीस नहीं है आपकी, ये आप लोगों की है जो होती है सेमेस्टर एग्जाम की फीस, ठीक है। तो सेमेस्टर एग्जाम की फीस आप लोगों की होती है, तो सेमेस्टर एग्जाम में पहले सेमेस्टर की ये फीस होती है, और जो आप लोगों ने 700 रुपये पहले दे रखे होते हैं, उसमें से 500 रुपये भी इसमें से कम कर दिए जाते हैं, वो लिख के आएगा वहाँ पर खुद ही 500 रुपये कम करके दिखाएगा, और आप लोगों को फीस पे करने का ऑप्शन आएगा जो आप लोगों की पहले सेमेस्टर की होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फीस पे करने का पोर्टल आपका खुल जाएगा कि इतने आप लोगों को पैसे देने हैं, पैसे भी वहाँ पे लिख के आएंगे कोर्स का, ठीक है। तो वही आपका पहले सेमेस्टर का फीस वहीं पे सबमिट हो जाएगा। अब उसके आगे का प्रोसीड मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले वीडियो में, ठीक है। तो अब जैसे ही उसका आप लोगों का प्रोसेस हो जाएगा, तो इसमें आज 23 तारीख से 12 बजे के बाद पोर्टल खुल जाएगा, तो आप लोगों को 25 तारीख तक रात के 12 बजे तक फीस सबमिट कर देनी है। मतलब 23 तारीख आज है, कल नहीं परसों तक आप लोगों को रात तक फीस सबमिट कर देनी है, जिन लोगों का भी अलॉटमेंट आ रहा है, जो बीसीए वाले हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम एनईपी हो गया, डी फार्मा हो गया और बीबॉक हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, इन चार कोर्सेस का आया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से अपना आज कर लेना, और जिनको भी प्रॉब्लम आती है बताना, हम लोग लॉगिन करके हम लोग भी पे करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली आप लोगों को, ठीक है। अब बताने वाले हैं आप लोगों को, उसके लिए दूसरा बना दूंगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं आप लोगों की सारी, और जो भी अपडेट्स होंगी चैनल के साथ बनी रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।